तरफ से होने वाली केंद्रीय सशस्त्र बल की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। परीक्षा में एक सवाल बंगाल में चुनावी हिंसा पर पूछा गया। इस सवाल को लेकर बीजेपी और टीएमसी में ठन गई है। यही है सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की परीक्षा का वो प्रश्न पत्र जिस पर बंगाल की राजनीति गर्मा गई। इसमें सवाल नंबर 3 में 10 अंकों के लिए 200 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखने को कहा गया। रिपोर्ट लिखने के लिए विषय दिया गया बंगाल में चुनावी हिंसा। इसी सवाल पर तृणमूल कांग्रेस भड़क गई और इसे यूपीएससी के बजाय किसी दल विशेष की तरफ से पूछा गया प्रश्न बताया जाने लगा। एक प्रश्न दे दिया, ये पोस्ट पोल वायलेंस का बंगाल में क्यों इतना होता है, इसका ऊपर बोलो। ये तो नहीं पूछा हाथरस में क्या हुआ, ये तो नहीं बोला त्रिपुरा में क्या हो रहा है। टीएमसी ने यूपीएससी पर बीजेपी के अंग की तरह काम करने का आरोप मढ़ दिया। सीएपीएफ की परीक्षा में पूछे गए सवाल ने राजनीति करने वालों को बैठे बिठाए मौका दे दिया है। टीएमसी का कहना है कि ये सवाल राजनीतिक खेल से पूछा गया है और बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। वही बीजेपी इस सवाल को जायज ठहरा रही है। बीजेपी का तर्क ये है कि जिस मुद्दे ने देश भर को हिला कर रख दिया उस बारे में छात्रों को पता होना ही चाहिए। इस बीच राजनीतिक मुद्दों पर अपनी सियासत की रोटियां सेकने वाले को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है। नौकरी के लिए पूछे गए सवाल पर टीएमसी की तरफ से बयानबाजी शुरू हुई तो बीजेपी भी मैदान में आ गई। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ताओं की गिनती शुरू कर दी। 140 व्यक्ति को जिनमें ज्यादातर बीजेपी समर्थक ही है या बीजेपी कार्यकर्ता है, हत्या किया गया है चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। तो टीएमसी जब ये किए थे उस समय उनका कोई आपत्ति नहीं था। यूपीएससी के प्रश्न पत्र में फिलहाल तो एक ही सवाल मुद्दा बनता दिख रहा है, लेकिन नजरें प्रश्न पत्र के दूसरे सवालों पर भी है। मसलन पहले सवाल में 20 नंबर के लिए जिन विषयों पर निबंध लिखने को कहा गया था उनमें एक था भारत में दलगत राजनीति एक फलता फूलता पारिवारिक व्यवसाय। इसी तरह 20 नंबर के लिए एक और विषय पर अपना नजरिया पक्ष या विपक्ष में लिखने को कहा गया, जिसका सवाल था राजनीति से प्रेरित है किसान आंदोलन। धीरे धीरे इन सवालों पर भी बहस शुरू हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस ने यूपीएससी से इस प्रश्न पत्र को वापस लेने की अपील की है। पार्टी ने यूपीएससी से दूसरे प्रश्न पत्र के साथ फिर से परीक्षा लेने की मांग की है। इस मामले ने जिस तरह तूल पकड़ा है उसकी गूंज बंगाल के बाद दूसरे जगहों पर भी सुना